आज हमने बनाई है तुलसी की मंजरी की माला। जी हाँ दोस्तों, हम इस माला को अपने घर पर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं और अपने प्रभु जी को अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमने आज ये माला बनाई है। जय श्री राधे राधे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में श्री प्रभु जी को तुलसी के पत्र और तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। प्रभु जी को, श्री नारायण को तुलसी दल और तुलसी पत्ती, तुलसी की मंजरी, ये सभी बहुत ही प्रिय होते हैं और उनको ये सब अर्पित किया जाता है। कार्तिक के माह में कहा जाता है कि जितनी तुलसी की मंजरी और तुलसी की पत्ती, तुलसी दल प्रभु जी को अर्पित की जाती है उतना ही हमें पुण्य मिलता है। तो आज हम आपको तुलसी की मंजरी की माला किस तरह से बनाई जाती है ये दिखाएंगे। इस तरह से आप अपने घर पर ही तुलसी दल की माला, तुलसी मंजरी की, तुलसी दल की माला अपने हाथों से बना करके अपने प्रभु जी को अर्पित कर सकते हैं और जिनको नहीं आती है उनको आप बना कर दे सकते हैं और पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको आज ये बनाने सिखाएंगे। हमने यहाँ पर 108 तुलसी की मंजरी ले ली है। आप अपनी इच्छा से इनको छोटी बड़ी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जितनी बड़ी माला बनानी हो उसी हिसाब से मंजरी को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। एक एक बंच में हम 5, 7, 9 कितनी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इनको बांध करके रखेंगे और बनाएंगे। इस तरीके से हम, अगर हम 5 की गुच्छी लेते हैं तो हमारी 21 गुच्छियां एक माला में बन जाएंगी। और इस प्रकार से हम आज माला शुरू करेंगे। पहले लेंगे हम मोली। मोली का एक सिरा इतना हम छोड़ देंगे ऊपर से बांधने के लिए। आप यहां से शुरू करेंगे। ये जो हमने पहला बंच लिया है इसमें हमने कितनी मंजरी ली है, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, ये हमने 9 मंजरी ले ली है। और इनको हम यहाँ नीचे से ऐसे पकड़ेंगे और ये मोली को लेकर के इसके ऊपर से ऐसे लपेटेंगे, ये इस तरीके से। थोड़े टाइट हाथ से बांधेंगे तो मंजरी बंधी रहेगी। और गांठ लगाने के लिए हम इसको इस तरह से हाथ पे इसके अंदर से लेके पहली गांठ बड़ी आराम से और आसानी से लग जाती है क्योंकि ये कोने का हिस्सा होता है। अगले हिस्से में थोड़ा हमें देख करके गांठ लगानी होगी। ये इस तरह से हमारी एक तैयार हो गई है। दूसरी इस तरह से हमने ये 9 मंजरी के गुच्छे हमने यहाँ पर बना लिए हैं और थोड़े से डिस्टेंस पर, इस तरह से ज़्यादा दूरी पर नहीं रखेंगे। जितनी बड़ी माला बनानी हो दूरी उतनी ही रख ले। 2-3 लपेटे ऐसे लगाएंगे, फिर जिससे हम लपेट रहे हैं उसको थोड़ा सा ऐसे गोल गोलाई में ले लें और जो नीचे का धागा है इसको हम इसके ऊपर से निकालेंगे और ये इस तरह से दूसरे धागे को हम यहाँ से खींच देंगे। बीच में उलझ जाती है तो बड़े ही आराम से और ध्यान से हम इसको बनाएंगे।
इस तरीके से, ठीक है। अब हम अगली बांधेंगे, ये नोनो की हमने गुच्छियाँ बना ली हैं, नीचे का धागा है। एक बार फिर से देखिए, ये जो धागा हम लपेट रहे हैं इसको ऐसे और इसको ऐसे लेकर के, और ये जो नीचे का धागा है इसके अंदर से लेंगे, और ये जो हमारे हाथ वाला धागा इसको हम खींच लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी गांठ लग जाएगी। तो ये हमारी इस तरीके से तुलसी मंजरी की माला बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, कितनी सुंदर ये माला बनी है। इस तरीके से हम जितनी बड़ी और जितनी छोटी, जितनी हमने बनानी हो उतनी बड़ी माला हम बना सकते हैं और प्रभु जी को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारी वीडियो को आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।